हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका गार्डन डिलाइट चैनल में। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं ग्रो बैग या पॉट में टमाटर कैसे उगाए जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप अपने घर की छत पर ग्रो बैग या पॉट में टमाटर उगा सकते हैं। देखिए, हमने ये ग्रो बैग में टमाटर के पौधे लगा रखे हैं जो कि 15x15 इंच के ग्रो बैग हैं। तो दोस्तों, आज हम आपको बताते हैं कि ग्रो बैग या पॉट में टमाटर के पौधे कैसे लगाए जाते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले इन पौधों को हमने बीज से तैयार किया है। जी हाँ दोस्तों, बीज से तैयार करना पड़ता है इन पौधों को। या तो आप डायरेक्ट इन ग्रो बैग में बीज को लगा सकते हैं या फिर अलग से पौधे तैयार कर सकते हैं। हमने ये पौधों को तैयार करके इन ग्रो बैग में लगाया है। देखिए दोस्तों, जो अब इतने बड़े हो चुके हैं, इसमें अब फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो गई है, फ्लावर आ चुके हैं पौधों में। देखिए दोस्तों, तीन पौधे हमने लगाए हैं और तीनों में लगभग दो पौधों में फ्लावरिंग स्टार्ट हो चुकी है। इसमें हमने वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद भी मिला दी थी, जिससे ये पौधे बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। सॉइल मिक्स की बात करें दोस्तों, तो सॉइल मिक्स में हमने इसमें मिलाया है 50% जो गार्डन सॉइल या खेत की मिट्टी है जो हमने इसमें मिलाई है, और 30% कोकोपीट मिलाया है, और 20% खाद मिलाई है दोस्तों इसमें हमने। खाद डालने से क्या होता है, पौधे अच्छी तेज़ी गति से ग्रो करते हैं। ये एक एक पौधे हमने लगाए हैं 15x15 इंच के ग्रो बैग में, और इसमें हमने खाद मिला दी थी दोस्तों। तो देखिए, बारिश के मौसम में कितने बढ़िया हो चुके हैं पौधे। अब इसमें दोस्तों लगभग 20 से 25 दिनों बाद टमाटर आ जाएंगे। देखिए किस तरह से फ्लावरिंग हो रही है, और भी ज़्यादा फ्लावरिंग इसमें होगी और पौधे और भी बढ़ेंगे दोस्तों। कुछ सावधानियाँ भी इसमें बरतनी होती है, जैसे कुछ कीड़े वगैरह लग जाते हैं तो नीम ऑयल का स्प्रे आप कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, तो इसमें लगभग 25 दिनों बाद टमाटर लगने स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसी तरह गार्डनिंग वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।